वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे सीआईटीएस संबंधित, ठीक है। तो इसमें जो दो तीन पॉइंट है सीआईटीएस से रिलेटेड, उस पॉइंट को इस वीडियो में उस पॉइंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है सीआईटीएस क्यों करें, दूसरा पॉइंट है सीआईटीएस का फॉर्म कब आएगा, तीसरा पॉइंट है कि अनुदेशक का बहाली जो बिहार में आने वाला है आईटी इंस्ट्रक्टर का, वो कब तक आएगा। चौथा पॉइंट है कि जो लोग आईटीआई किए हैं, बहुत पहले आईटीआई किए हैं, आईटीआई करने के बाद उनका पढ़ाई छूट गया, ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई और इधर उधर काम कर रहे हैं और वो सीआईटीएस करना चाहते हैं, तो वो अपना तैयारी किस प्रकार करेंगे, ठीक है। या तो जिन्होंने आईटीआई किया बट आईटीआई में अच्छी तरीके से क्लास नहीं हुआ, उसको थ्योरी के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो किस प्रकार तैयारी करेगा, इस वीडियो में ये जानेंगे, ठीक है, ये पॉइंट सब जानेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए कि सीआईटीएस क्यों करें, ठीक है। तो सीआईटीएस क्यों करें, क्योंकि कमेंट में भी आया था और मेरा जो चैनल है इस पे सीआईटीएस से ही संबंधित ज्यादा जानकारी मिलता है। हालांकि इस पे पढ़ाई भी चालू किया जाएगा और बहुत सारे फॉर्म है उसके बारे में भी इस पे लोड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम जो चैनल पे जो भी वीडियो को बनाते हैं, तो बनाने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में सर्च करते हैं, जानते हैं कि क्या है नहीं है, क्योंकि अगले को कोई जानकारी दिया जाए, मेरे माध्यम दिया जाए, किसी माध्यम के द्वारा दिया जाए, तो सही जानकारी दिया जाना चाहिए, ठीक है। या तो अगले का आप कोई जानकारी दे रहे हैं तो सही जानकारी दीजिए, ये मेरा सोच है, ठीक है। तो चलिए जो पॉइंट है वहां बात करते हैं कि सीआईटीएस क्यों करें, ठीक है। कोई लड़का कहना था कि सीआईटीएस जो है नहीं करना चाहिए, सीआईटीएस क्यों करेगा। तो देखिए, सीआईटीएस करने से बहुत सारा फायदा है। अगर मान लिया वो जो है सीआईटीएस करने से अगर आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर नहीं बन पाता है, तो ये नहीं है कि उसका सीआईटीएस करने का कोई फायदा नहीं हुआ। सीआईटीएस करने से पहला फायदा यह है कि उसका थ्योरी जो है, ट्रेड थ्योरी जो है वो मजबूत होगा। दूसरा है कि प्रैक्टिकल जो स्किल टेस्ट है, जो स्किल है वो मजबूत होगा, स्किल जो है वो मजबूत होगा, ठीक है। अगर कोई आईटीआई किया है, वहां अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल लर्न नहीं हुआ है, तो वहां करेगा तो वो क्या होगा, मजबूत हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर सीआईटीएस करता है तो इसका सर्टिफिकेट का वैल्यू जो है सरकारी में भी काम आएगा, कोई बड़ा बड़ा कंपनी जाएगा काम करने के लिए तो वहां भी इसका वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ये फायदा इसका करने से फायदा है, ठीक है, ऐसे नहीं इसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद दूसरा पॉइंट अब देखेंगे कि जो है ये लोग तैयारी किस प्रकार करेंगे सीआईटीएस का, आगे पॉइंट देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ये कह दें कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जो लोग सीआईटीएस कर रहे हैं, अगर उनको कोई नोट चाहिए तो क्या कर सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग को पीओटी का जरूरत है, ट्रेड थ्योरी का जरूरत है, तो उन लोग को जो है दो तीन दिन के अंदर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें उसका सभी क्वेश्चन का लिंक हम दे देंगे, वहां से आप क्वेश्चन को लोड कर पाएंगे, ठीक है। तो बेफिक्र रहे, आप लोग का क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। अब पॉइंट जो था वहां आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि फॉर्म कब आएगा, पहले ये जान लेते हैं फॉर्म कब आएगा। तो देखिए, सीआईटीएस का जो फॉर्म है वो टोटल प्रक्रिया जो है, टोटल प्रोसेस रेडी है, ठीक है। खाली वहां पे फॉर्म का डेट आने वाला था, लेकिन अब जो है आपका फॉर्म ऑनलाइन मई मंथ से ही होगा, ठीक है। अभी एक कटिंग जो है व्हाट्सएप पे एक भेजे थे, उसमें लिखा हुआ था कि ऑनलाइन सीआईटीएस ऑनलाइन जैसे 20 अप्रैल 2020, ठीक है। तो उनको मैंने बताया कि ये पुराना है, 19 का वो डेट है, पता नहीं 20 कैसे लिखा गया उस पर पता नहीं, लेकिन उसका जो वेबसाइट है वहां पे उन्होंने अभी कुछ अपडेट नहीं किया है। तो जब तक वेबसाइट पे नहीं देता है और जब तक पूरे हम कन्फर्म नहीं होते हैं, जब तक उसको हम सही कैसे मानेंगे या तो उसके बारे में वीडियो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वो बोले कि ठीक है सर, हम लोग आप कहेंगे तो भी अप्लाई करेंगे। तो आपका जो फॉर्म है सीआईटीएस का, आपका जो फॉर्म है अब मई मंथ में ही आएगा, ठीक है। लास्ट अप्रैल तक हो सकता है कि उसका नोटिफिकेशन दे दे, लेकिन ऑनलाइन अब ज्यादा संभावना है कि मई मंथ में ही होगा, ठीक है। या तो सेकेंड वीक में हो या तो थर्ड वीक में हो, मई मंथ में होगा, ये भी फिक्र रहे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है
कि जिन लोग का पढ़ाई छूट गया है वो अगर सेटिस करना चाहते हैं या कोई काम कर रहे हैं तो काम करते हुए वो अपना तैयारी किस प्रकार करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंस्ट्रक्टर का बहाली भी बिहार में आने वाला है, तो वहां में उसमें जो आपका एग्जाम होगा उसमें ट्रेड थ्योरी का ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन रहेगा अनुदेशक वाला में, और जो सेटिस होगा एग्जाम होगा उसमें भी आपका 75% क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से रहेगा। तो आपको क्या करना है कि ट्रेड थ्योरी को तो मजबूत करना है, तो यहाँ पे दो ग्रुप आ जाता है, पहला ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी। ए ग्रुप के अंतर्गत वे लोग हैं जिन लोग अभी आईटीआई कर रहे हैं या कर लिए हैं, ठीक है, उनका अभी रिवीजन में है और टेक्निकल अभी मजबूत है, ठीक है, वो ए ग्रुप के अंतर्गत आ गए, एग्जाम तो वो भी देंगे। और बी ग्रुप के अंतर्गत उनको हम रखते हैं जिन्होंने आईटीआई बहुत दिन पहले किया, उनका क्या है कि मतलब रिविजन छूट गया या तो आईटीआई किया उस समय अच्छा से आईटीआई में प्राइवेट में पढ़ाई नहीं गया होगा ट्रेड थ्योरी, तो वो लोग किस प्रकार तैयारी करें। तो उन लोग से ये कहेंगे कि आप जो है घर में अपना बुक से तैयारी कर सकते हैं, या तो फैटियस के लिए एक स्पेशल ऑनलाइन क्लास अभी हम चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लास के जरिए, क्या कर रहे हैं सेटस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सा ट्रेड के लिए है, फीटर टर्नर मशीनिस्ट और एक है फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, तीन ट्रेड चार ट्रेड के लिए अभी क्लास चल रहा है, फीटर टर्नर मशीनिस्ट और फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो ऑलरेडी सीट फुल है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में भी एक लिमिट रखे हैं, ऐसा नहीं कि जितना लड़का उसमें जुट सकता है ये नहीं है, तो इलेक्ट्रीशियन का ऑलरेडी फुल चल रहा है, तो फीटर टर्नर मशीनिस्ट और फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी इन लोग का दूसरा बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो यहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास के जरिए भी तैयारी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने घर में भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि मेरे ऑनलाइन के जरिए ही तैयारी होगा तो आपका सेटिस में पास आप होंगे, ऐसा नहीं है, आप घर में भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बात है। अच्छा एक बात और कह दें कि ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है इसका एक फी रखा हुआ है, ठीक है, मिनिमम फी रखा हुआ है 1000 के आसपास फी रखा हुआ है, ठीक है, तो जो लोग अगर मान लिया ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहेंगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, उनको प्रोसेस बता दिया जाएगा, लेकिन फी लगेगा ये थोड़ा सा जान लीजिए, एक मिनिमम फी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हो गया बी, ए के अंतर्गत क्या है, जिनका रनिंग में है पूरा अभी अच्छा से तैयारी उनका है, ठीक है, वो एक अंतर आता है, और जिन जो कोई काम कर रहे हैं प्राइवेट में या उनका पढ़ाई ज्यादा दिन तक छूट गया है तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, बी के अंतर्गत आएंगे। तो बी वाले को थोड़ा सा हम ये कहना चाहते हैं कि आपको 100 में कम से कम मिनिमम 60 नंबर लाना होगा तभी आपको एनएसटीआई कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज बढ़िया कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है, तो आप लोग तैयारी अभी से करें, ठीक है। और अनुदेशक का जो वैकेंसी आने वाली है, बिहार में आने की संभावना है, तो उसमें भी आपको ट्रेड थ्योरी का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए अगर आप सेटस का तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना तैयारी ट्रेड थ्योरी का जरूर करें, ठीक है, अपना तैयारी कंटिन्यू रखें। और कोई अगर चाहते हैं कि क्लास से जुड़े तो ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं, ठीक है, ये मैं जरूर कहता हूं अपने तरफ से कि जिसको हमने पढ़ा रहा है या तो अभी तक पढ़ाया है उनको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छूटा होगा टेक्निकल में, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे थ्रू कोई भी पढ़ते हैं तो अभी तक जैसा मैंने देखा है फीडबैक देखा है कि अगर मेरे थ्रू कोई भी पढ़ा है तो उनको उनका टेक्निकल अच्छा मजबूत हो गया है, ठीक है, तो आप चाहे तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो अपने से तैयारी कर सकते हैं, ये नहीं है, लेकिन तैयारी करिए। उसके बाद एक पॉइंट और लास्ट का है कि जो अनुदेशक का बहाली है वो कब तक आएगा, तो देखिए उसका जो है चर्चा चल रहा है, जो बिहार में आने वाली है उसका चर्चा चल रहा है, कब आएगा ये तो नहीं पता है, क्योंकि जब तक वो अपना वेबसाइट पे नहीं देता है या तो उसका कुछ जब तक नोटिस नहीं देता है जब तक कंफर्म नहीं माना जाएगा, लेकिन आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि प्राइवेट में जो एग्जाम हुआ उसका कॉपी इस बार चेक करने में रिजल्ट आने में ज्यादा परेशानी हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जो अनुदेशक थे इंस्ट्रक्टर थे उसका कमी है, ठीक है, तो उसका वैकेंसी बहुत जल्द आएगा, इसलिए अगर आप लोग सेटेस करना चाहते हैं तो सेटेस करें और अपने अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। अब वीडियो को ज्यादा लंबा करना नहीं चाहते हैं, और कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप पूछेंगे, आपको रिप्लाई बहुत जल्द मिल जाएगा।
ठीक है। अगर आप स्टेटस कर रहे हैं तो ये चैनल से आप जुड़ रहे हैं, आपको ए टू जेड तक टोटल प्रोसेस बताया जाएगा कि किस प्रकार आपको स्टेटस में ज्वाइनिंग होगा, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ लेना है, कहाँ हॉस्टल नहीं है, सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही। और एक कोर्स आया है आईबीएम, जो कि पिछले बार भी मैंने वीडियो आईबीएम के बारे में बनाया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल और नॉलेज अथी करके सर्च करके आपको वीडियो बना देंगे। एक आईआईएस करके आया है, वो भी बढ़िया कोर्स है आईटीआई के लिए, उसके बारे में भी बना देंगे। तो आप लोग वीडियो देखते रहें, और कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से या कॉमेंट से आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।